Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study AIDS, which is a type of infectious disease. Okay, so let's see. AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome. इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्वायर इम्यूनिटी होती है, जो हमारे बर्थ के बाद आती है, वो सारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ के सिम्टम्स एक साथ दिखते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम्स. ठीक है, तो ये बात इसका मतलब होता है. सो एड्स इज़ अ क्रॉनिक पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब कि इसमें हमारी डेथ भी हो सकती है. लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय द HIV. HIV क्या है? HIV एक वायरस है जो कि एड्स को कोज करता है. जिसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, HIV की मतलब फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, जो कि क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कराता है. और जो हमारी एड्स होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, ये हमारी एनिमल्स से. ठीक है, एक काइंड ऑफ मंकी से ओरिजिनेट हुई थी ये. ठीक है, तो उसके बाद देखो, इट डैमेज द इम्यूनो सिस्टम CD4 प्लस टी सेल्स एंड मेक इम्यूनो डेफिशिएंट. ठीक है, तो ये जो होता है ना हमारा, ये क्या करता है, HIV जो वायरस होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं ना, उनको डैमेज करता है. और कौन से सेल होते हैं, स्पेसिफिकली CD4 प्लस टी सेल्स होते हैं, जो कि ये उन पे जाके अटैक करता है और उनको क्या कर देता है, उनको किल कर देता है. इस तरीके से काम करता है ये उनके ऊपर. तो देखो, तो बॉडी को इम्यूनो डेफिशिएंट बना देता है ये. ठीक है, बाय डैमेजिंग दिस सेल्स. उसके बाद देखो, बॉडी बिकम्स अनेबल टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पाती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंट बना देता है बाय किलिंग दिस इम्यूनो सेल्स. उसके बाद देखो, व्हेन CD4 T प्लस सेल्स काउंट बिलो 200 माइक्रोलीटर, तो जो हमारा जो CD4 T सेल्स की जो काउंटिंग होती है, अगर वो 200 सेल से कम होए, कितने एरिया में, हमारे माइक्रोलीटर एरिया में. ठीक है, सो अगर बोले तो 14% अगर हमारी बॉडी में, जब 14% ऑफ टोटल CD4 T सेल्स रह जाते हैं, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, उस पर्सन को हम डिजीज्ड या फिर इन्फेक्टेड पर्सन माना जाता है, कि वो डिजीज से ग्रस्त है. ठीक है, उसको वो डिजीज हो चुकी है, तो उसको वो मान लेते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो, जो हमारी कॉजेज आते हैं. ठीक है, कॉज, तो कॉज क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा कॉज तो हमारा क्या, HIV का, मतलब एड्स का, वो हमारा है HIV. एड्स हमारी किसकी वजह से होती है, HIV वायरस की वजह से होती है. तो ये जो हमारे कोसेज है, ये क्या है, तो ये कोसेज हमारे क्या है, तरीका है कि किस तरीके से हमारा जो HIV होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, किस तरीके से वो ट्रांसमिट होता है. ठीक है, तो ये वो कोज होते हैं. ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा फ्रॉम इन्फेक्टेड सिरिंजेस एंड रेजर्स. तो इन्फेक्टेड सिरिंजेस मतलब कि जो डॉक्टर्स हमारी नीडल्स यूज़ करते हैं, सिरिंज यूज़ करते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन के पहले यूज़ की गई है और फिर डॉक्टर उसे एक नॉर्मल पर्सन के अंदर यूज़ कर रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे क्या होगा, वो वायरस का ट्रांसफर होगा. और जो हमारे बार्बर्स होते हैं, अगर बार्बर भी जो है वो रेजर का यूज़ कर रहा है, उन ब्लेड्स का यूज़ कर रहा है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर यूज़ किए गए हैं, और वहाँ पे भी कोई कट लगा है, जिसकी वजह से वो वायरस हमारा ब्लेड के ऊपर प्रेजेंट है, और फिर जब वो हमारे नॉर्मल पेशेंट के ऊपर अप्लाई करता है उसको, तो वो क्या है, हमारे ट्रांसमिशन का चांस बढ़ता है. ठीक है, उसके बाद देखो, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन. तो ये क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ जो हमारा क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विदाउट प्रोटेक्शन, तो क्या है, हमारा ट्रांसमिशन होती है किसकी, HIV की. और सबसे ज़्यादा जो हमारा कोज होता है HIV का, वो कौन सा होता है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है. ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र. तो ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, नशा करते हैं. ठीक है, ड्रग्स लेते हैं थ्रू इंजेक्शंस. ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, और उनमें कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो वो एक ही सिरिंज से सभी ड्रग्स लेते हैं, जिससे क्या होगा, उनके अंदर वायरस ट्रांसफर होने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है. ठीक है, अब क्या है, मदर टू चाइल्ड, एक जो मदर होती है, ठीक है, तो जो मदर होती है, अगर इन्फेक्टेड मदर है ना, तो उसकी बेबी में भी जो हमारा HIV ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, क्योंकि जो HIV होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है एक बेबी के अंदर. ओके, नाउ फिफ्थ क्या हमारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट. मतलब कि जब हम क्या है, ब्लड किसी के अंदर ब्लड की कमी होती है, तो उसको ब्लड ट्रांसफर करते हैं
तो जो हमारे सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर ही होते हैं, और वायरस हमारा यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के जो ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, तो उसे HIV हो जाती है, ठीक है, उसको एड्स हो जाती है। सो दीज आर द सर्टेन कॉज थ्रू विच HIV एंटर्स इन होस्ट बॉडी। अब क्या होता है, एक इंक्यूबेशन पीरियड नाम सुना होगा, ठीक है। HIV तो हमारा वायरस होता है जो कि बॉडी के अंदर चला जाता है, बट वो वायरस एक अपनी थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ वायरसेस बनाता है, तब जाके अपने वो क्या करता है, अपने सिम्टम्स को शो करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में वो अपने आप को डेवलप करता है और सिम्टम्स तो नहीं देता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है बट सिम्टम्स नहीं देता है। सिम्टम्स जब देता है अपने आप को, वो एक थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ वायरस बना लेता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 मंथ से लेके अराउंड 10 मंथ्स, और 10 ईयर्स, सॉरी 10 ईयर्स तक, ठीक है, और इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, और इसके अंदर भी हो सकता है, या हमारा लाइक एवरेज, ऑन एवरेज क्या है हमारा, 3-4 साल के अंदर हमारा पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होती है, पैथो मतलब डिजीज, एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे डिजीज कौन सी, हमारी एड्स। तो एड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, तो वो देखना है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे कोई भी कॉज होता है, उन कॉजेज की वजह से, लाइक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इनकी वजह से जो हमारा HIV वायरस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है। सो HIV वायरस एंटर्स इनटू द बॉडी ब्लड स्ट्रीम, देन HIV अटैक ऑन CD4+ सेल्स। ओके, जो हमारे CD4+ सेल्स होते हैं, एक टाइप ऑफ इम्यूनो सेल होता है जिसपे हमारा वायरस जाके अटैक करता है, ठीक है। HIV वायरस इन सेल्स पे अटैक करता है, ओके, इन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होता है, और फिर जो इसका DNA RNA होता है, ठीक है, RNA हमारा एक रेट्रोवायरस होता है, जिसमें मतलब कि जो इसका जीनोम होता है वो क्या होता है, इसका RNA होता है जीनोम। तो ये अपने क्या करता है, अपने RNA को इंजेक्ट कर देता है एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, बेसिकली बोले तो न्यूक्लियस, ठीक है, जहाँ पे उसका DNA प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, जो HIV है, HIV चेंज इट्स RNA इनटू वायरल DNA। तो जो वायरस होता है हमारा, जो इसका RNA होता है ना, उसको वायरल DNA के अंदर चेंज कर देता है, क्योंकि जो ह्यूमंस के अंदर तो DNA प्रेजेंट होता है पर वो RNA है, तो इसको उसके साथ मिक्स होना होता है, तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, कि DNA में चेंज कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वायरल DNA, क्योंकि एक वायरस का DNA है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, एक RNA को DNA में बना देता है, ठीक है, ये जो कि इसके HIV के पास होता है, और कुछ नहीं होता है HIV के पास, ये सिर्फ एंजाइम होता है। उसके बाद देखो क्या है हमारा, दिस वायरल DNA इंटरमिक्स विद DNA ऑफ होस्ट सेल, ठीक है। तो दिस वायरल DNA इंटरमिक्स विद DNA ऑफ होस्ट सेल। तो जो हमारा क्या है लाइक ये जो हमारा सेल था ना, ये न्यूक्लियस है सेल का, ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर हमारा एक DNA हमारा किसका है, होस्ट सेल का, ठीक है। दूसरा जो हमारा किसका है, वायरल DNA है, वायरस का DNA जो होता है, वायरस DNA, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अगर ये जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, देखो, दिस वायरल DNA इंटरमिक्स विद DNA ऑफ होस्ट सेल, सो दिस DNA विल रेप्लीकेट। तो ये क्या आगे डिवीजन होगी, और हमारे दूसरे सेल्स में भी जाके ये इंजेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, प्रोड्यूस इन्फेक्टेड प्रोटीन्स ऑफ CD4+ सेल्स, जिससे क्या, देखो हमारे जो CD4+ सेल्स बनते हैं, जिन प्रोटीन से जो इनको बनाता है, जो उसको यूजफुल होते हैं, तो ये उन सबको किल कर, मतलब कि उनको क्या बनाता है, इन्फेक्टेड प्रोटीन्स बनाता है। तो इन्फेक्टेड प्रोटीन्स होंगे जिसकी वजह से हमारा CD4+ टी सेल होते हैं वो भी अच्छे से नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारे किसका, CD4+ टी सेल्स का, और क्या होगा, हम फिर हमारी प्रोग्रेसिव इम्यूनो सिस्टम डिसफंक्शनिंग, मतलब कि देखो जब हमारा इम्यूनो सिस्टम का जो सेल्स था CD4+ टी सेल, इसके अंदर ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, तो हमारी जो इम्यूनो सिस्टम होगा तो वो तो डिसफंक्शनल हो जाएगा, वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एड्स में हमारा कोई भी हमारी बॉडी जो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाती है, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती है, ठीक है, किसी भी छोटे से छोटे वायरस पे भी वो अटैक नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी एड्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।